हाई गाइज होप यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद डायमंड डोर सो तो ये नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट पार्ट है हमारा चैप्टर टेन क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज राइट फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड तो याद आता है मैं आपको कई वीडियो से बोल रही हूँ से बी से बी से वी जो फाइनली वो टॉपिक आ गया है आपकी बुक के अंदर है आपके सलेबस के अंदर है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है कि हम समझेंगे बट इस से भी ठीक है मैं बहुत वीडियो से आपको बोल रही थी ना से वी तो अब हम इसके अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे डिटेल में कि वॉट इज़ वाट एक्चुअली से वी ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे उसके फंक्शन को समझेंगे राइट तो क्या बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता ही रखा है बट फिर भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा सिक्योरिटीज़ एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ सेवी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव तो मुझे लगता है अब आप तक तो आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा क्या है इसका ऑब्जेक्टिव तो क्या है ना इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेट दी सिक्योरिटी मार्केट ठीक है जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट को बचा के रखना उनको सम्भाल के रखना राइट तो क्या है ना उनकी मतलब इंटरेस्ट मतलब उनके ऊपर एक भी आँच नहीं आनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि बहुत हो गया जैसे कि आ, हमारे पास है ना जागो ग्राहक जागो ग्राहक जागो या फिर हमारे पास है वो आर टी आई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कंज्यूमर के लिए उसी तरह से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेटली दे प्रोवाइड मनी टू अस ठीक है वो पैसा दे रहे हैं ना हम लोगों को मतलब वही स्टॉक मार्केट को पैसा दे रहे हैं ना तो अगर हम उनके इंटरेस्ट को नहीं सेव करेंगे तो कैसे कैसे काम चलेगा अगर जो लोग जो कमा रहे हैं ना इतना पैसा स्टॉक मार्केट से वो कैसे कमाएंगे वो तो कमा ही नहीं पाएंगे है ना तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी कंपनी उनके साथ फ्रॉड ना कर सके ठीक है कोई भी ब्रोकर उनके साथ कुछ गलत ना कर सके क्योंकि उनका अगर विश्वास उठ गया तो फिर मतलब इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा राइट टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन तो देखो इसके अंदर हम लोगों के चार ऑब्जेक्टिव है कि असल में उसे वो रेगुलेट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को ताकि ऑर्डरली फंक्शन हो सके ठीक है राइट एंड द इन्वेस्टर तो देखो इसके अंदर हेडिंग वाली कोई बात नहीं मुझे बता आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी कि इसके अंदर हेडिंग नहीं है तो वो कुछ नहीं करना इसमें हेडिंग लिख देना टू रेगुलेट ये आपकी हेडिंग हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द राइट एंड द इंटरेस्ट बस ये आपकी पूरी हेडिंग हो जाएगी एंड पर्टिकुलरली इंडिविजुअल होता है एंड टू गाइड एंड एजुकेट बिकॉज कंपनी के जो कंपनी इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो ऐसे कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके दस पंद्रह लोग जो काफी होते जो काफ़ी एजुकेटेड होते तो वो संभाल लेते लेकिन इन केस ऑफ द इंडिविजुल पिक्चर अकेला होता है उसको लूटने में लोगों को बहुत मज़ा आता है तो उस केस में हमारा से हमारे साथ खड़ा है नेक्स्ट टू प्रोवाइड टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिस इसके अंदर इस केस में यह हैडिंग हो जाएगी टू प्रीवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिस मतलब जो गलत काम है एंड नचीव है बैलेंस बटवींद सेल्फ रेगुलेशन बाई दिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड इट्स सेचुटरी रेगुलेशन ठीक है इनके बीच में रेगुलेशन ठीक है एक जो खुद में एक रेगु मतलब सेल्फ रेगुलेशन है एक और एक सेगरी जो लॉ है मतलब एक जो हमें रेगुलेट करके चलना है एक और एक जो लॉ ने बता बता रखा है किसे रेगुलेशन की ज़रूरत है तो दोनों के बीच में बैलेंस करता है गलत काम को नहीं रोकता गलत काम को बिल्कुल रोकता है नेक्स्ट इज़ दी टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल देखिए जो हमारा स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज वो एक आज ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है कल नहीं थी उसका मुझे नहीं पता लेकिन आज है और इन फ्यूचर भी रहेगी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक कोड ऑफ़ कंडक्ट होता है एक कोड्स फॉलो किए जाते हैं एक पॉलिसीज़ होती है एक फ्रेमवर्क होता है लॉ होता है उसी तरह इन लोग जो हमारा से वी होता है उसका काम भी यही कर यही है कि उसे एक कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाना है किसके लिए ब्रोकर के लिए मर्चेंट बैंकर्स के लिए इन सब के लिए ठीक है ताकि वो लोग अपने लिमिटेशन के अंदर हैं उनको अपने लिमिटेशन के बारे में पता रहे राइट right, तभी तो काम चलेगा तो दीज आर दी फोर ऑब्जेक्टिव नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस सो दीज आर दी फंक्शंस ठीक है ना तो पहला इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन तो सबसे ज्यादा द प्रोटेक्टिव फंक्शन तो फर्स्ट इज़ दी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसके अंदर कि हमें कस्टमर को बचाना है कस्टमर को क्या मतलब जितने भी क्लाइंट है सबको बचाना है तो प्रोहिबिशन ऑफ द प्रोडिल्ड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत सारे ब्रोकरस या बहुत सारी कंपनी पहले ऐसे करती थी कि वो मैनुप्लेन या मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती थी मतलब पैसा निकलवा लेती थी उसके बेनिफिट नहीं होते थे तो उन सबको क्या करना है रोकना है क्या करना है रोकना है ठीक है नेक्स्ट इज दी कंट्रोलिंग इन ट्रेडिंग समझ लो इन ट्रेडिंग हाँ मान लो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है ठीक है अब वो कंपनी का एम्प्लाय तो उसे कोर्स थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ना कंपनी के बारे में वो बाहर गया उसने कुछ बता दिया ठीक है तो कई बार क्या होता है इससे कम, उसके कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं कई बार कंपनी के शेयर्स उठ जाते हैं तो ये सब भालतों के कामों को रोकने के लिए हमारे पास हमने मतलब जो हमारी ये प्रोडक्टिव फंक्शन है ना इसका उसने सोचा है कि चलो हम इसको भी बचाते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ इन्वेस्टर तो ठीक है इन्वेस्टर अगर पैसा दे रहा है तो कंपनी में तो पैसा लेके कि 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 किसी इकॉनमी और किसी प्रोडक्टिव वर्क में तो लगा रही है तो दोनों को बचाने का काम है नेक्स्ट इज़ दी अंडरटेकिंग स्टेफ फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल्कुल इन्वेस्टर इसी अंदर यहाँ पर था मिसलीडिंग मैनीशन से बचाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर को प्रोडक्ट करना Next is the promotion the yes. connect, connect, तो है जानुन प्रोटेक्शन नेक्स्ट इज दी प्रमोशन ऑफ़ द फेयर प्रैक्टिस ये कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट तो अभी हम पढ़ कर रहे हैं ठीक है उसने क्या बोला है कि आपको क्या करना है फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में सोचना है नेक्स्ट इज दी डेवलपमेंट डेवलपमेंट फंक्शन तो इसका काम मतलब इसके बेसिकली तीन मेजर फंक्शन होते हैं प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट रेगुलेटरी राइट डेवलपमेंट में क्या ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी जो भी इंटरमीडियरीज हैं मतलब जिसकी वजह से ये चलता है जो लिंक करता है बिटवीन दी इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक मार्केट और दी कंपनी उसको बोलते हैं इसके अंदर बेसिकली ब्रोकर की ही बात कर रहे हैं राइट एंड कंडक्ट द रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू द यस बिल्कुल रिसर्च मतलब रिसर्च uh, करना भी इन लोगों का ही काम है राइट नेक्स्ट इज दंड टेकिंग मेजर टू डेवलप दैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या बोला है इसके अंदर अंडरटेकिंग टू डेवलप कैपिटल मार्केट यस कैपिटल मार्केट को डेवलप करना भी इन्हीं लोग हमारा सेबी देखता है कि किस तरह के रूल बनाए कि हमारा जो कैपिटल मार्केट वो खूब अच्छा सा डेवलप हो सके राइट नेक्स्ट इज दी रेगुलेटरी फंक्शन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है से ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर एंड द सब ब्रोकर यस ठीक है रेगुलेशन मतलब आखिर एकदम गड़ा के रखना सर्वेलेंस में रखना तो जितनी भी रजिस्टर मैंने आपको स्टार्टिंग uh, में जब मैंने आपको पढ़ाया सब ब्रोकर के बारे में तो मैंने आपको बोला जब हमने डीमेट अकाउंट पढ़ा था याद है सेकेंड पॉइंट उसके अंदर बोलो उसके अंदर लिखा हुआ था रजिस्टर्ड ब्रोकर ठीक है वो सेवी के साथ मिला होना चाहिए सेवी उसको सर्टिफाइड करेगा तो वही वो पॉइंट ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर करता है ऑफ द कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारे कुछ स्कीम्स और म्यूचुअल फंड इस तरह की स्कीम्स आ जाती हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन uh, से भी साथ करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर पोर्टफोलियो एक्सचेंज अंडर राइटर मर्चेंट बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड मतलब जितना भी स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब का रजिस्ट्रेशन सब का रेगुलेशन सेबी के हाथ में होता है राइट नेक्स्ट इज द कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन में अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन अगर आप कोई भी कॉल करते हो इंस्पेक्शन के लिए कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड एंटीडिटीज ये सारे काम भी कौन करता है हमारा सेबी भी करता है ताकि वो अपना सर्वेलेंस बना के रखे नेक्स्ट इज दी लिविंग फिंग और दी अदर चार्जेज येस देखो वो इतना काम करें थोड़ा पैसा भी तो ले लेगा ले रेगुलेट करेगा ना आप लोगों को तो उसको भी थोड़ा पैसा चाहिए तो यस yes, उसको पैसा भी मांगता है ठीक है ना मतलब पैसा मांगता क्या है वो बताता है कि एक ब्रोकर को कितना पैसा चार्ज करना चाहिए ठीक है ना वो हाँ सब कुछ बिल्कुल सेबी भी अकॉर्डिंग होगा कुछ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा वो आपकी जान पहचान के तो आपको थोड़ा कम में या ज़्यादा में दे ऐसा नहीं होगा एक प्रॉपर फीस फिक्सड है फॉर एवरी ब्रोकर ठीक है उतना ही चार्ज करना है नेक्स्ट इज़ दी परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर एंड द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एज अ केस में भी डेलीगेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो मतलब जो हमारा परफॉर्मिंग है एक्साइजिंग सच पावर अंडर था मतलब उसे कुछ पावर दे रखे हमने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया वो उसको भी रेगुलेट करता है ठीक है तो ये हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है बट आपको इतने सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फंक्शनस के अंदर आपको कितना फाइव टू सेवन ही देने और इसमें तो बहुत सारे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली थ्री तो प्रेजेंट करी दो आप राइट सो so, गाइज़ दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज़ वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अगेन रिट्रो द चैप्टर टेन ठीक है ना और मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडीज़ आएँगी ऐसी बात नहीं है मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी आपको केस स्टडीज़ दूँ क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, है ना तो इन बिटवीन इसके अंदर हम केस स्टडी की के प्रैक्टिस करेंगे सो so दैट हमें पता चले कि हम कितना पानी में है और कितना ऊपर है पानी की राइट सो इफ यू हैव एनी क्वेरी दैन डू कॉमेंट बिलो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब Bye bye. Take care. And thank you.